बीवियों के जिंदा रहते तीसरी शादी करना लादू हाई भूरू के लिए काल बन गया। पहली बीवी के भाई और नाते रिश्तेदारों ने मिलकर लादू का काम तमाम कर दिया। वहीं किसी को कोई भनक ना लगे इस इरादे से लादू की लाश को ठिकाने भी लगा दिया था। अचानक गांव से रहस्यमय ढंग से गायब लादू के बारे में उड़ती खबर पुलिस तक पहुंची थी। गायब लादू की मां नंदी हाई भूरू से पुलिस को सिर्फ इतना क्लू मिला कि बीते 16 मार्च को उसके बेटे लादू को सिंगराई सोय उर्फ मोटू सोय, लखन और चारकोंडो समेत अन्य कई लोगों ने खूब मारा पीटा था। उसी रोज से उसका बेटा गायब है। मारपीट के पीछे का कारण भी पुलिस को बता दिया गया था। जमशेदपुर के पुलिस कप्तान डॉक्टर एम तमिल वाणन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और रूरल एसपी नाथू सिंह मीणा की देखरेख में एसआईटी का गठन किया। इसमें प्रशिक्षु आईपीएस प्रवीण पुष्कर को भी शामिल किया गया। पुलिस ने जरूरी साक्ष्य और सबूत जुटाने के बाद सबसे पहले सिंगराई और सनातन को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर नक्सल प्रभावित एक जंगल से अधजली लाश को बरामद कर लिया गया। यह लाश एक कुएं में फेंक दी गई थी। मारे गए लादू का चेहरा भी जलाने का प्रयास किया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। यह सनसनीखेज वारदात जमशेदपुर के गुड़ा बांदा थाना क्षेत्र के मारो तोलिया दुमासाई टोला की है। सुने क्या बोले जमशेदपुर के पुलिस कप्तान डॉक्टर एम तमिल वाणन। लादू हाई ब्रू करके 35 साल की उम्र वाला बंदे जो है गुड़ा बांदा थाना क्षेत्र के मारो तोलिया से गायब थे। ये सूचना पुलिस को भी नहीं पता था क्योंकि गांव के तरफ से या उनके परिवार के तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति गांव से मिसिंग है और इसके संबंध में सूचना थाना पे नहीं आया है, तो डीएसपी मुसाबानी और गुड़ाबंदा थाना प्रभारी के पहल से ये लोग अपना एक LRP अभियान तैयार करते हुए वहाँ पर गाँव में गए। वहाँ में पूछताछ किया गया है। पहले उनके माँ ने कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके पूछताछ किया गया। तब पता चला कि 16 तारीख मार्च में यानी 15 दिन पहले और वहाँ गांव के रहने वाले तीन व्यक्ति सिंगराय सोई, लखन सोई और हारकोंडे सोई, तीनों के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट होने के बाद बताई गई थी। और मारपीट होने के बाद क्या हुआ ये भी मालूम नहीं पड़ा। फिर पुनः हम लोग जो है एक नक्सल क्षेत्र में बड़ी विस्तृत अभियान प्लान कर सभी जगह पे जाके हम लोग जंगल में हर चप्पे चप्पे जो है सर्च अभियान किया गया था। और जंगल के कुआं में मालूम पड़ा कि जगर लगाने के बाद उसमें से एक डेड बॉडी निकल के बाहर आई, तो चिन्हित हुआ कि वही बंदा है जो गायब थे। तो फिर उसके बाद इस केस को बड़ी मुश्किल से माँ को हम लोग ये करके उनको बता करके इसमें FIR कराएं। FIR करने के बाद उनके बॉडी को शिनाख्त की गई है और उनके पे क्योंकि पूरा कंगाल हो गया था 10 दिन में पानी के अंदर, उनका DNA सैंपल भी लिया गया है और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ के पूछताछ भी किया गया है। वो लोग अपने जो है बयान में एक्सेप्ट किए कि हाँ हम लोग उनको मार दिए थे और उनके चेहरा भी जला दिया था। और खासकर इसमें मोटिव था कि वो तीन शादी किए हुए थे और शादी के लेके ही वो एक पत्नी का भाई लोग हैं, वो लोग इनको मारपीट किए थे और इनको मार दिए थे। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट।